हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के फोर्थ वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फोर्थ वीक ऑफ सितंबर में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस आपके लिए ये सप्ताह क्या लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एंड सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है यहां पर। कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपकी और उनकी जो भी आपने साथ में पिक्चर्स क्लिक की हैं या फिर कहें कि मेमोरीज, ओके, पुरानी यादों को याद कर रहा है ये पर्सन। ये डॉल्फिन घर बैठकर फ्रेम में देख रही है अपने और अपने पार्टनर की पिक्चर। सो कुछ ऐसा ही है, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, पुरानी अच्छी यादें जब आपका ये रिलेशनशिप एक हैप्पी दौर से गुजर रहा था। एंड आप में से कई लोगों के लिए बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ के लिए ये बचपन से चल रहा रिलेशनशिप हो एंड ये पर्सन इस वक्त पूरी तरह से पास्ट में है, ओके, ये अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहा। ये पूरी तरह से आपके यादों में गुम है इस वीक में एंड कहीं ना कहीं टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको खोज रहा है, ओके। आप देख रहे हैं ये पर्सन टेलीस्कोप लेके खड़ा है, टेलीस्कोप लेके ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किधर हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं। जासूसी, आपकी जासूसी कर रहा हो सकता है ये सोशल मीडिया पे या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू या यू नो फैमिली मेंबर्स से। ये हमेशा जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं। और इनके हाथ में एक प्लान भी है, एक मैप भी है। दिस पर्सन ने कोई प्लान भी बनाया हो सकता है कि आपसे कैसे मिला जाए, बातें कैसे स्टार्ट की जाए, धीरे धीरे कैसे दोबारा से चीजों को स्टार्ट किया जाए और किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो ये पर्सन एक प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है एंड अपना फ्यूचर भी देख रहा है, आपको और आपके इरादों को समझने की भी कोशिश कर रहा है कि अब आप क्या सोचते हैं। यहां नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन अब आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए परेशान है। यूजुअली तो एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों से अपनी तारीफ सुनना चाहता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक इमेच्योर पर्सन को शो करता है जिसे बहुत सारा अटेंशन चाहिए, जिसे जब तक अटेंशन ना मिले तो उन्हें इम्पोर्टेंट फील नहीं होता। एंड इस पर्सन को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। शायद जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे खुल के अपनी बात नहीं कह रहे थे, उन्हें लग रहा होगा शायद कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उन्हें लेके। खैर, जो भी बातें इस पर्सन ने अपने पास्ट में नहीं कही है उस चीज को कहने के लिए अब ये पर्सन परेशान है। ये लाउड स्पीकर देख रहे हैं आप, ये पर्सन अब आपको अपनी बात कहना चाहता है लाउड स्पीकर पे, मतलब लिटरली नहीं, बट ये अब क्लियरली अपनी बात कहना चाहते हैं और इस तरह से कहना चाहते हैं कि आप सुने, ओके। तो ये पर्सन बहुत कुछ कर सकता है आपको दिखाने के लिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या अपने दोस्तों के थ्रू आपको कोई मैसेज भिजवा सकते हैं, मतलब अपने आप को जाहिर करने की कोशिश किसी भी तरीके से। आप उनके बॉडी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं इस तरीके का बिहेवियर। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं और सिक्स ऑफ कप्स के साथ
वो अकेले बैठे हैं, उन्हें पता है कि उनका पार्टनर यहाँ आसपास नहीं है और उन्हें एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आपके साथ की जरूरत है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन अपनी सिचुएशन से लड़ रहा है इस वक्त। ओके, शायद इस पर्सन ने इस बार सोच लिया है कि वो अपने आप को बदलेंगे, अपने हालातों को बदलेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो शायद उन्हें बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप पे, आगे आने वाले कई रिलेशनशिप पे और भी बहुत कुछ। मतलब कि इन केस अगर ये सोचते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो इन्हें पता है कि इन्हें चैलेंजेस फिर भी फेस करने होंगे एंड वो अब भाग नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन स्ट्रेंथ जुटा रहा है, ताकत जुटा रहा है इस सिचुएशन से लड़ने की, इस सिचुएशन से बाहर आने की। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Page of Pentacles, King of Swords, Three of Pentacles, and Ten of Pentacles. Okay, तो यहाँ पर Ten of Pentacles है, बहुत सारी happiness है आपके पास and आप expect कर सकते हैं attention, बहुत सारा attention मिलेगा आपको अपने partner से भी, दूसरे लोगों से भी, और आप actually में बहुत attractive हैं and abundance भी है। वैसे आप finances भी expect कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं या किसी तरीके के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये पेंटिकल्स आपके पास हैं। लक बहुत आपका सपोर्ट करेगा। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ टू डू की लिस्ट आपको अपने हाथ में रखनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास अपने शौक पूरे करने के लिए हर मौका होगा एंड यूनिवर्स आपको नेगेटिविटी से इस वक्त पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, इनफैक्ट एक बेटर सिचुएशन की तरफ। नेगेटिविटी कहना गलत होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका ये पर्सन ऑलरेडी बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर रहा है। शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या उनके परिवार में कुछ इश्यूज हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, पर मुझे लगता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए तैयार है। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपके पीछे बहुत सारी बातें चल रही हो सकती हैं, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा हो सकता है, ये पर्सन कुछ फाइनल करना चाहता है एंड कहीं ना कहीं वो दूसरों को समझाना चाहते हैं कि वो अपने लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार है और कोई उनका डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि आप किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख रहे हैं, ये पर्सन वाकई नाराज है, नाराज है अपने आप से, नाराज है अपने हालातों से, नाराज है शायद उन लोगों से जो उनके रास्ते में आ रहे हैं। तो ये पर्सन काफी इस वक्त जिद्दी हो रखा है, फ्रस्ट्रेटेड है, पर शायद ये जरूरी है उनके ये रियलाइज करने के लिए कि उन्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा अगर वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं तो। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है इस वीक में। Patience. Everything soon will come to light and then you will see things will be all right. आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, जल्दी ही सारी चीजें लाइट में आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी और आपको पता चलेगा कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको ये बिलीव हो जाएगा कि सब चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाएंगी, तो बस यहाँ पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है थोड़ा सा।
तो ये थी रीडिंग सितंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।